तो आज हम लोग बनाएंगे पनीर टिक्का काली मिर्च, जो बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस आसान सी रेसिपी को। तो पनीर काली मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें 3 बड़ी साइज की प्याज, 3 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 ये काजू है, और ये 20-25 होल ब्लैक पेपर, खड़ा साबुत ये काली मिर्च है। तो तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है 4 छोटी इलायची, और ये 4-5 लौंग ले लिया है, 2 बड़ी इलायची लिया है, और 3 तेजपत्ता लिया है। तो सबसे पहले प्याज को रफली चॉप कर लेंगे, 3 प्याज जो लिए थे उसको रफली चॉप करना है, और अदरक के टुकड़े को भी चॉप करके मोटा मोटा कट कर लेना है। तो सबसे पहले जो हम लोग ने ये होल ब्लैक पेपर लिया था, तो इसको पहले हम लोग हल्का हल्का रोस्ट करेंगे पैन में रख के स्लो फ्लेम पे, फिर इसको क्रश करके इसका पाउडर बना लेना है। देखिए हो गया, बस इसको इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1-2 सेकेंड तक। अब मैं इसको क्रश करूँगी, ऐसे हमें क्रश कर लेना है, हमें मिक्सी में इसे नहीं पीसना है। देखिए इतना ही मोटा हमें पाउडर बना करके रेडी कर लेना है। तो अब हम लोग एक गरम पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा ये तेजपत्ता, और ये बड़ी इलायची, जो इसका मुंह मैंने खोल लिया है, नहीं तो बहुत ही छटकती है, और छोटी वाली इलायची, लौंग, सबको डाल करके अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा बच के ही पकाना है, नहीं तो लौंग बहुत तेज छटकती है। और सभी मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो अगर तेज फ्लेम होगा तो सारे मसाले जल जाएंगे। तो इसलिए देखिए मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे पकाया है। और अभी हम लोग ऐड कर देंगे इसमें सारा कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से हमें भून करके उबालना है, तो हमने डाल दिया, और ढेर सारी जो लहसुन की कलियां ली थी वो भी डाल दी मैंने, और अदरक का टुकड़ा डाल दिया कट किया हुआ, और मिर्चे को कट नहीं करेंगे, ऐसे डाल देंगे। जो 3 ग्रीन चिली ली थी ना हमने, वही वाला मैंने डाल दिया इसी समय। अभी इसको इन सबको अच्छे से भूनना है, थोड़ा सा फ्लेम को हल्का सा बढ़ा लेंगे, मीडियम रहेगा, और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू। काजू को मैंने 2-3 घंटा गर्म पानी में भिगो के रखा था ताकि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए, तो आप भी इसको पीसने से पहले थोड़ा गर्म पानी में भिगो दें। वैसे तो ये ग्रेवी में पक ही जाएगा, लेकिन अच्छा बिल्कुल फाइनल बनाने के लिए इसे थोड़ी देर गर्म पानी में जरूर भिगो के रखें। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े कप पानी। पानी को हमें अच्छे से सुखा करके पकाना है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो ग्रेवी बहुत पतली हो जाएगी और प्याज का कच्चापन नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से सुखा करके पकाएंगे। तो बस अब लीड लगा करके हम इसे 15-20 मिनट तक सूखने तक पकने देंगे। तो अब मैंने लिया है 400 ग्राम के बराबर पनीर है, ये इसको मैंने कपड़े में लपेट करके फ्रिज में रखा था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सूख जाए, और इसको मोटे मोटे पीस में हमें कट करना है। आपको ध्यान रखना है कि पनीर में पानी नहीं रहे, अगर पानी है तो उसे कपड़े में थोड़ी देर लपेट के 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो सूख जाए। तो देखिए मैं इसे मोटे मोटे पीस में कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसका टिक्का बनाना है, तो ऐसे ही सारे पनीर को मोटे पीस में कट कर लें। तो अब हम एक बाउल में लेंगे हैंग कर्ड, ये 1/2 कप हैंग कर्ड है, मतलब ये 1 कप दही था, तो मैंने इसे कपड़े में रख के और एक छन्नी पे रख के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, या 2-3 घंटे के लिए आप ये फ्रिज में रख देंगे तो हैंग कर्ड तैयार हो जाएगा, दही खट्टी भी नहीं होगी। और मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाला है, और ये 1 छोटी चम्मच ये ड्राई कसूरी मेथी पाउडर है। इसको थोड़ी देर तवा पे रोस्ट कर लें, और इसे थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लें, और थोड़ा सा ये चीज़ है, चीज़ स्लाइस भी आप यूज कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा नमक। तो मैं अब इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर, इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होती है, और इसमें मैंने जो क्रश किया था ना काले मिर्च, उसको 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, और मेरा फेवरेट धनिया का जड़, और 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स करना है। और इसी समय हम लोग डालेंगे फ्रेश क्रीम, इसको मैंने 2 स्पून यूज किया है, बड़ा वाला चम्मच 2 टेबल स्पून है ये, और थोड़ा सा इसका दूध वाला पार्ट भी डाल देंगे, और इन सबको लेकर के अच्छे से मिक्स करना है। आप हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, इसका गुठली वाला पार्ट हमें बिल्कुल मुलायम कर लेना है, जैसे चीज़ बिल्कुल गला होना चाहिए। आप चीज़ स्लाइस भी यूज कर सकते हैं, या प्रोसेस चीज़ भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे मसाले को हाथ से मिक्स करके अच्छे से
इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पनीर को डीप करके इसके ऊपर से एक अच्छा सा लेयर चढ़ाऊंगी, जिससे पूरा पनीर मसाले में अच्छे से डीप हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया है टिक्का सेकने वाला पतला वाला सरिया है ये। अगर आपके पास है तो आप यूज करें, नहीं तो आप तवा पे भी थोड़ा सा तेल डाल के इसे रोस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कि मेरे पास था तो मैंने इसे लगा लिया। तो ऐसे ही हमें अपने सारे पनीर को अरेंज कर देना है। तो देखिए मैंने दो सरिया में इसे लगा के रख लिया है, और इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ताकि ये मैगनेट हो जाए और ये थोड़ा सा जो मसाला है इसका फ्लेवर पनीर के अंदर अच्छे से चला जाए। तो हमें इसे तब तक ही रखना है जब तक से हम लोग की ग्रेवी पक रही है। तो देखिए हम लोग की ग्रेवी पक रही है, ये पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अभी इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पानी और इसे सुखाएंगे। तो देखिए मैंने हाई फ्लेम पे सारा पानी सुखा लिया है। अब मैं इसमें से जो ये खड़े मसाले दिख रहे हैं इन सबको निकाल लूँगी, क्योंकि इसका फ्लेवर तो आ चुका है ग्रेवी में। तो आपको अगर तीखा पसंद है तो आप मिर्ची रहने दें, नहीं तो आप निकाल लें। तो मैं सारे गरम मसाले जो दिख रहे हैं इन सबको निकाल लूँगी, और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही पीसें, नहीं तो मिक्सी से बाहर आ जाएगा ये। गैस पे एक पैन को मैंने गरम कर लिया है। देखिए मसाला ठंडा होकर बिल्कुल पतला वाला ग्रेवी हमें बना करके रेडी करना है, तो मैंने बिल्कुल पतला ग्रेवी बना करके रेडी कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा स्लाइस, मतलब एक इंच स्लाइस बटर का टुकड़ा, पर इसको बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, थोड़ा ही मेल्ट करना है। इसी समय हम लोग ऐड कर देंगे ये अपना वाइट ग्रेवी। तो हमें इसे स्लो फ्लेम पे पकाना है जब तक से थोड़ा थोड़ा घी ना छोड़ने लगे। तो इसको हमको अच्छे से बिल्कुल चलाते हुए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, इसको लगातार चलाना ही है, नहीं तो ये चिपकने लगेगी। तो आप इसे चलाते हुए पकाएं। अगर आप चाहें तो बटर जब आप पैन में डालें तो उसके साथ 2-3 बड़ा चम्मच ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल, लेकिन मैंने यहाँ पे उसे नहीं डाला क्योंकि मैं थोड़ा कम तेल में बना रही हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा तेल डालना है तो आप कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तो देखिए 5-6 मिनट बाद ग्रेवी हम लोग की पक चुकी है, इसमें अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच चीनी, और ये है 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च जो हम लोग ने लिया था सबसे पहले रोस्ट करके, उसको डाल करके अच्छे से ऐड कर देना है। और थोड़ी सी ये धनिया की पत्ती है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दें, इसको अच्छे से मिक्स करें सभी को। तो इसको हम लोग को डाल करके 1-2 मिनट और पकाना है, फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे दूध। अब हम लोग की ग्रेवी पक चुकी है, तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर मिल्क। तो ये रूम टेम्परेचर पे मिल्क है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि ग्रेवी थोड़ी पतली हो जाए। और आपको अगर पतली रखनी है तो आप और भी दूध डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला अच्छा ही लगा। देखिए बिल्कुल इतना ही, 1-2 सेकेंड इसे पकाएंगे। तो देखिए 1-2 मिनट बाद ग्रेवी अच्छे से बदकने लगी है। तो अब हम इसमें ये जो टिक्का का मसाला था ना मैगनेशन वाला जो हमने बनाया था, तो थोड़ा सा बच गया था, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगती है, इसमें भी तो स्पाइसी सब थे, तो इसको डाल करके अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। तो हम लोग की ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको बिल्कुल 1-2 सेकेंड तक ही पकाना है। तो अब हम लोग लास्ट में इसमें 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो बस ये हो गई ग्रेवी रेडी, गैस को मैंने कर दिया ऑफ। तो अब हम लोग एक पैन लेंगे, पैन में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने डाला हुआ है। अब इसमें हम लोग डालेंगे अपना ये पनीर टिक्का जो हम लोग ने इस पे मसाले का ग्रेवी लगा कर रखा हुआ है ना फ्रिज में, मैंने इसे कुछ देर के लिए रख दिया था। तो अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा सेकूंगी अच्छे से तवा पे हिलाते हुए, और इसी से मैं डालूंगी जो 2 पीस बचा था ना हम लोग का पनीर टिक्का, उसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये भी सेक सकते हैं। तो आप ऐसे भी करके, अगर आपके पास सरिया नहीं है तो आप ऐसे भी करके सेक सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है तो आप पनीर को बिल्कुल सादा भी डाल सकते हैं, आपको टिक्का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी खाने बहुत अच्छा लगता है। तो सेम फ्लेम पे हमें इसे पलट पलट के पकाना है, बिल्कुल ये चिपकता नहीं है क्योंकि हमने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर का पाउडर, तो बिल्कुल ये चिपकेगा नहीं। तो देखिए पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है हम लोगों का। तो ये वाइट ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसमें ये टिक्का बिल्कुल रेडी है। तो हम लोग को ऐसे ही इसे निकाल करके पीछे कट करके मसाले में डिप कर देना है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, और बिल्कुल रेस्टोरेंट का भी फेल है इसके सामने। ये वाइट ग्रेवी का पनीर काली मिर्च आप जरूर इसे बनाएं और इंजॉय करें। तो दोनों सरिया के टिक्का को हम लोग ऐसे डाल करके मसाले में डिप कर लेंगे। लीजिए रेडी है बिल्कुल ये पनीर काली मिर्च, आप इसे बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि कैसी बनी है।
और सर्व करने से पहले इस पे हम लोग डालेंगे थोड़ा सा यही क्रश किया हुआ काली मिर्च। तो लीजिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है ये। थोड़ी सी धनिया से गार्निश कर दें।